बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। आज हम बना रहे बटा आलू चीज़ रोल बना रहे हम। तो ये बहुत इजी सी डिश है और फटाफट से बनने वाली है। तो इसमें जाने वाले मसाले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा आलू और एक छोटा आलू, हमने इसको बॉयल करके इसको छील के इसको मैश कर लिए ले। यहाँ पर हमने तीन किस्म की शिमला मिर्च लिए ले। ये तीन किस्म की शिमला मिर्च है, ये ग्रीन और ये येल्लो और ये रेड। और यहाँ पे कुछ हरी धनिया लिए ले हमने, ये हरी धनिया थोड़ी से ले लिए ले। चार हरी मिर्ची, ये तेज़ हरी मिर्ची नहीं है, ये फिक्की है हरी मिर्ची, ये चार कट कर लिए ले बारीक बारीक। और एक छोटी से प्याज हमने कट कर लिए ले बारीक बारीक इसको। तो ये सब डालेंगे इसमें हम। और ये हमने स्वीट कॉर्न लिए ले, ये एक चम्मच के करीब है। इसको हमने हल्के से बॉईल कर लिए ले और दो दो हिस्से में इसको कट किए, क्योंकि ये बड़े थे बोल के हमने इसको दो हिस्से में कट कर लिए। ये हमने थोड़ा सा चाट मसाला लिए ले, ज़रा से लिए ले। यहाँ पे हमने दो चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए ले, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने नींबू का रस लिए ले, एक छोटा नींबू है उसका रस निकाल लिए ले। यहाँ पर नमक लिए ले, नमक अपने हिसाब से लीजिए लेंगे स्वाद अनुसार। बस यहाँ पे हमने थोड़े से काली मिर्चों का पाउडर लिए ले, ये इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब। यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स लिए ले, ये चम्मच के नाप से हम डेढ़ चम्मच डाल देंगे। बस इससे क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमने ये चीज़ लिए ले, मोजरीला चीज़, ये हम थोड़ा सा इसमें कद्दूकस कर लेंगे। हमने ये चीज़ हमने मोजरीला चीज़ लिए ले, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते। अब इसको कर लेंगे यहाँ पे हम मिक्स, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किए हैं, अब इसमें एक अंडा हम डाल देंगे। अगर आपको अंडा नहीं डालना है तो ना डालिए, आप इसके बदले में एक चम्मच मैदे का मैदा डाल लें। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए ले, इसको रखते हैं हम साइड। और यहाँ पे एक अंडा लिए है हमने और यहाँ पे इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। बस और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर। इसको कर लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से, फेंट लेंगे, हाथों को लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको लेंगे ऐसा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा एकदम आराम से। ये देखिए बस इस तरह से, ये देखिए ये रोल टाइप हो गया। ये या आप इसको आलू का सीख समझिए या इसे आप रोल समझिए, ये बन गया। अब ये इसको हम डाल देंगे इसमें, अंडे में डिप कर लेंगे। बड़ी आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, ताकि ये नहीं तो टूट जाएंगे आलू है ये। बस यहाँ से इसको ले लेते हैं हम, इसको ब्रेड गम में डाल देते हैं। बस इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए ये अच्छे से हमने ब्रेड गम लगा लिए इस पर। अब इसको इसी तरह से सारों को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये तैयार हो गए, सारों को हमने इसी तरह से बना लिए। अब इस ये देखिए सारे को हमने ऐसे बना लिए ले। हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसकी फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तेल गरम हो गया हमारा, बस आराम से इसको तेल में छोड़ते हैं हम। इसी तरह से सारों को फ्राई कर ले गए। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, फिर इसके बाद थोड़ा मीडियम पे रखो उसको, तब ये अच्छी तरह से फ्राई होगा, क्योंकि ये आलू का है, ये टूटने का भी डर है। देखिए इस हमने ज़रा से भी इसको डालने के बाद छेड़खानी नहीं की है इसके साथ, एकदम ही आराम से इसको हम बनाए ले। और एकदम गैस हमने स्लो मीडियम आँच पर रखे है, अब भी हमें थोड़ा सा हाई कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से ये सिक गया अच्छी तरह से। यहाँ पे चूल्हा हमने स्लो किए ले और इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी ये तैयार हो चुका है। अब ये
एक टिश्यू पे इसको हम निकाल लेंगे, फिर दूसरा वाला इसी तरह से हम बना लेंगे। बस ये दूसरा वाला भी हमने इसी तरह से फ्राई किया, फिर अभी इसकी प्लेटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए सारे को हमने बना लिए ले, और ये कितने अच्छे मज़े के दिख रहे, एक भी टूटे नहीं है, फटे नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे से दिख रहे। तो ये है ना इतनी इजी डिश, तो आप भी इसे ज़रूर घर में बनाइए। और ये हम अफ्तारी के लिए तैयार किए ले हैं, तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। और कैसा लगा है ये पकौड़ा, ये रेसिपी कैसी लगी है, तो आप हमें प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाजू में बैन आइकॉन है उसको दबाना, उसको दबा लेना, ताकि जो भी हम नई वीडियो निकालेंगे तो वो आपके पास पहली पहुंचेगी। ये देखिए हम इसको आपको एक तोड़ के दिखाएंगे, ये कितना अच्छा बना है, एकदम इजी, एकदम मज़े का। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कमेंट में ये कैसा बना है। अगर अच्छा है तो आप ज़रूर घर में बनाइए। अल्लाह हाफिज़।